नमस्कार सबको, रजीराम चैनल में आप सबका वेलकम है। आज हम सब मिलके बनाते हैं बेसन का चीला, जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रामबान है ये, आओ मिलके बनाते हैं बेसन का चीला। ये मैंने लिया एक बाउल बेसन का, ये हमने लिए सूजी, ये लिया मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, लाल मिर्च थोड़ी कम डालनी है, हमने हरी मिर्च भी डाली हुई थी इसमें, जीरा, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी, इसे हम थोड़ा क्रश करके डालें, खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने, कई बार नहीं तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इसे हम बनाएंगे लोहे के तवे पे, ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया, इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और एक ही डायरेक्शन में, ये हमने इस पे ऑयल की ब्रशिंग कर ली। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले पानी का ऊपर छींटा दिया, फिर उसे रब किया रुमाल के साथ, अब ये बैटर डालेंगे। बैटर डाल के इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि ये लोहे का तवा है ना, धीमी आंच पे पकाना है इसे। जो ट्रिक मैंने अभी की थी कि गरम तवे के ऊपर मैंने पानी डाला था, फिर रुमाल से साफ़ किया है, हर चीले की बार ये ऐसे ही करना है हमें, तो आराम से और अच्छी तरीके से चीला, साफ़ सुथरा चीला और अच्छा चीला बिना जले हुआ पक जाता है। अब हम ये ऑयल का साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल, कई लोग सरसों का तेल लेते हैं, कुछ लोग घी लेते हैं देसी, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। हो गया आसानी से,
लोहे के तवे पे वही ट्रिक करते हैं जैसे हम डोसे में करते हैं। डोसे में हम पानी, पहले पानी का छिड़काव करके फिर रुमाल से साफ करते हैं, फिर उसके ऊपर बैटर डालते हैं ऐसे। ये हमारा सूजी और बेसन का चीला तैयार, बहुत हेल्दी होता है, आप भी खाएं। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक यू।